बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और सुबह सुबह आप लोग भी नाश्ता बना रहे होंगे। तो आज हम और कोमल सोचे कि क्या बनाए क्या बनाए, फिर हॉस्पिटल में हमको थोड़ा सा कुछ बना के भेजना था, तो सोचे कि ना सत्तू का पराठा ही बना, पराठा नहीं बनाएंगे और सत्तू का लिट्टी बनाएंगे उबाल के। पता नहीं आप लोग खाए कि नहीं खाए, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और देखिएगा कि कैसे कैसे बना रहे। आप लोगों को भी बनाने का बहुत आसानी हो जाएगा। मेरी जितनी भी फ्रेंड लोग है ना, मैं जब भी बनाती हूँ उबाल के सत्तू का लिट्टी, वो लोग बोलती है उबाल के बनाइएगा कैसा लगता है। जैसे मैं कोमल बोली थी, कोमल नहीं ना खाई थी, नहीं पहले एक बार बनाए थे, तो सबको लगता है कि उबाल के लिट्टी कैसे बनता है कैसा लगता है। तो आप लोग भी देखिए, आज मैं उबाल के ही लिट्टी बनाऊंगी और लास्ट तक बने रहिएगा और सीख भी लीजिएगा इसका रेसिपी कि उबाल की लिट्टी कैसे बना जल्दीबाजी में। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक और देखिए कैसे कैसे क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग फैला वाला के बैठ गए हैं सामान और देखिए कि क्या क्या कर रहे हैं। तभी कोमल को दिया है सत्तू बनाने के लिए और मैं खुद आटा गूंथ रही हूं। और कर क्या और दे क्या सब दे देते हैं। हाँ दे ही दो, ज्यादा ज्यादा कर देना ही अच्छा बनाइए। इतना सा इसमें बची गया, तो देखिए इसमें क्या क्या डाल रहे हैं। जवाइन वगैरह मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे स्वाद भी बढ़ता है और प्लस खराबी भी नहीं करता है जवाइन से, और लिट्टी आसानी से पच जाता है पेट में जाके। डालिए देन आफ्टर हरा मिर्च, अदरक अदरक काटी हुई है, देखिए लग रहा है दांत से फाड़ दी है, लहसुन भी प्याज भी, लेकिन अब क्या करें, जल्दीबाजी है, जैसे भी काटी है बेचारी काटती है, कम नहीं है क्या, तो क्या तो क्या बोल रही हूँ। अदरक और छोटा छोटा होगा, लहसुन है और ये दो भी इसको छोटा छोटा है। अरे रहने दीजिए ना, दीजिए डाल दीजिए, हाँ दांत तो खिच खिच करेगा। सब हो गया, नमक नमक दे दीजिए, ला ना। तो देखिए इसमें नींबू डाला जाता है, नींबू मिल गया, थोड़ा सा सूख गया है, इसी से मैनेज करेंगे। चाकू देखिए दे रही हूँ चाकू, ये इसमें ना नींबू से स्वाद बढ़ता है। नींबू सूख गया, परसों ही लेके आया था हाट से, पता नहीं कैसा खराब हो गया क्या, अच्छा है पहले इसको देख लेते हैं। देखो ना खराब हो गया, नहीं हुआ है खराब, नहीं हुआ नहीं, नहीं हुआ, हमको खुद मालूम है, नहीं इसमें लाल नहीं डालेंगे। अरे क्या नाम है इसका, तो सब तो ऐसे ही डाल देते हैं, बोलिए खराब नहीं हुआ तो क्या करते हैं, नहीं खराब हुआ है। अचार है तुम्हारे पास? हाँ है। कौन जो खरीद के लाई थी वो वाला? हाँ ऐसे मेरे पास नहीं है। इसमें देखिए आप लोग के पास घर पे रहते हैं तो मिर्चा का अचार रहता है तो डालते हैं, यहाँ पे मिर्चा का अचार अभी नहीं है तो ऐसे ही काम चला लिए हैं, फिर भी देखते हैं कोई और अचार होगा तो डालेंगे। बोला डब्बा लाना, बोला उसमें अचार देख रहा हूँ, तो फिलहाल वो नहीं है, क्या बोलते हैं अब इसको ऐसे ऐसे करके इसको गूंथना है। नमक डालिएगा स्वादानुसार, जितना है उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। सरसों तेल देखिए डाल दिए, नमक टेस्ट कर लेंगे क्या? मिक्स भी करोगी तो कौन करेगा, उसे से कर देते हैं तो बोली हाथ लगाए हुए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, हल्दी वैसे नहीं डाला जाता है लेकिन हम डाल देते हैं, थोड़ा डाल दीजिए बस बस हो गया। उनको टेंशन हो गया ना, खटाई में बोले क्या क्या, हम कहाँ से नहीं तो लेके आए, अरे नहीं तो नींबू का अच्छा होगा, खटाई भी नहीं है लेके आते हैं, सही मिले क्या रहे हैं, सही मिले क्या रहे, अरे मिल जाएगा सामने में। है ये क्या, वो है क्या, तो दोस्तों देखिएगा अगला का आगे लेने के लिए, दुकान पे नींबू लेने के लिए। कैसे नींबू दे रहे हैं? हाँ दे दीजिएगा एक। तो दोस्तों नेहा दी आ गई है नींबू लेके मार्केट से, अभी बर्दाश्त नहीं हुआ हम, सोचे जो काम करते अच्छा से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए ना कि बाहर डालना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत लगा तो क्या हुआ, नींबू तो आ गया ना, कोई भी काम शिद्दत से कीजिए चलता है क्या। इसमें नींबू नहीं छोड़ देंगे, ऐसे साइड में इसको बीच को निकाल दीजिएगा, नहीं तो दांत के पास पड़ेगा ना तो दांत कड़क हो जाएगा, पूरा तीखा तीखा हो जाएगा, इसलिए हम तो ज़्यादातर कड़क करते हैं चाहे छन्नी में डालते हैं, बट उतना अभी टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, नींबू नहीं छोड़ दिए।
इसका बीज निकाल रहे हैं। अब मजा आएगा खाने में क्या? इसके वजह से तीखा कम बनाते हैं, तीखा नहीं खाती है कोमल जी। थोड़ा सा तेल दोगे तुम सरसों का? कहाँ से जाए, वहाँ देखो लगा। देखिए फ्रेंड, मेरा तेल भी खत्म हो गया है, अब घर जाएंगे तो घर से तेल लेके आएंगे। ये सरसों का तेल है? घर का तेल है? सरसों तेल है। अच्छा, जाते हैं तो लेके आते हैं। ओ, फिर अब घर जाएंगे, छठ पूजा में तो लेके आएंगे पटना में। पता नहीं आएंगे भी क्या, कोई गारंटी नहीं है। आएंगे तो जरूर कोशिश करेंगे। अजन शांति उसी के रहते हैं, कॉपीराइट म्यूजिक मतलब यूट्यूब पे कैसे मतलब कॉपीराइट नहीं आता म्यूजिक लगाने पे। म्यूजिक हम नहीं लगाते, इसकी वजह से थोड़ा सा ब्लॉग खराब हो जाता है। तो फाइनली देखिए सब कुछ बन गया, बन के रेडी हो गया। अब चलती हूँ आटा गूंथने। तो कॉपीराइट आ जाएगा, बंद करो। अच्छा, कॉपीराइट आ जाता है। छत्तु ज़्यादा बनाया है ताकि ज़्यादा भर सके, अच्छा लगेगा। और ये आटा ले लिया, हम बर्तन पटना में हम ज़्यादा नहीं रखते हैं बड़ा बड़ा। और ये मत सोचिएगा आप लोग कि गंदा पानी है, सत्तू वाला पानी, इसलिए इसी से बुझ गया है। देखिए कितना दिक्कत से आटा गूंथना पड़ रहा है हमको। दोस्तों नेहा दी कितना मुश्किल से आटा गूंथ रही है। इतना छोटा बर्तन है? बहुत छोटा बर्तन है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा बर्तन है, उसमें आप गूंथ रहे हैं। इतना छोटा बर्तन में इतना सारा आटा गूंथ रहे हैं, दिक्कत हो रहा है बहुत। लेकिन कोई नहीं, इंसान को जैसे रहना वो एडजस्ट करने का आदत होना चाहिए। खुशी में भी खुश रहना चाहिए, दुखी में भी खुश रहना चाहिए। इंसान को अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करने आना चाहिए। इंसान बहुत तरक्की करता है ऐसे फिर, लेकिन पता नहीं क्या करेंगे, बस भाषण ही दे रहे हैं। फाइनली आटा हो गया कंप्लीट, अब इसको भरेंगे इस सब्जी में। कढ़ाई में पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए, ये गर्म होगा उतना देर में हम लोग लिट्टी भर लेंगे। तो अभी गैस में पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम लोग अभी लिट्टी भरेंगे। देखिए फटाफट लिट्टी भरना स्टार्ट कर दिए हैं, लग रहा सा तो ज़्यादा ही है, ज़्यादा तो भर ही रहे हैं, बट पता नहीं बच जाएगा तो। लिट्टी भरने नहीं आ रहा तो सिखा रहे हैं, देखिए कैसे बच्चे जैसे भरी है नोच के। और मेरा देखिए इधर से भी, इधर से भी, दोनों साइड से छीना होता है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे भरिएगा तो अच्छा होगा। इतना सत्तू ले लिए, ऐसे आता हमको भी नहीं है, बस थोड़ा सा जितना आता है उतना ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और ऐसे बना के हंस रही है, पूरा खुद से बता रहा है। कल चलिए पर चलिए, पता नहीं क्या क्या भाषा बोलती है, अच्छा लगता है इसका लैंग्वेज हमको। हाँ, इसको जो भरिए ना, इसको काट के ऐसे आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है? निकालने के बाद ऐसे दबा दीजिए, ठीक। पता ही नहीं चलता कि आप इधर से भरे हैं या इधर से भरे हैं, बहुत मस्त आ जाता है। इसीलिए ऐसे ही भरा कीजिए, इसमें और इसमें डिफरेंट देखिए। सीखी? हाँ सीख ले, दोनों में डिफरेंट देखिए। देखिए फ्रेंड्स ये बना रही है, आज लग रहा है फाइनली सीख ही गई है। हाँ लगता है कि फाइनली सीख चुके हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है, कैसे करते हैं। इतना सिखाने के बाद बेचारी बना रही है, कैसे होगा पता नहीं। बनाओ ना, हो जाएगा, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस करना, करने में मन में हुनर होना चाहिए करने का, और चाहत होना चाहिए कि हमको ये करना है। लग रहा है कि सीख जाएंगे क्या। मिर्चा अंदर डालो? अरे डमा हुआ ही रहने दीजिए, निकाल क्यों दी? ऐसे हमको आता नहीं है, इसे चाहिए एडजस्ट नहीं कर पाई, शायद हो गया हो गया। देखा, एक सेकंड भी खाना देखिए। हाँ बस फाइनली हम सीख चुके हैं।
थोड़ा सा यहाँ जो छेद टाइप से आ रहा है ना, अरे कोई बात तो नहीं, इस ये फूट जाएगा, इसमें पानी घुस जाएगा, इसको इसको नजर में रख के बनाना पड़ता है। थोड़ा ओके, हाँ थोड़ा नहीं, बहुत सी गई है। फर्स्ट नहीं है, लास्ट है ये, बोलो इस आज के। हम लोग का धीरे धीरे इतना सत्तू बच गया है, देखिए अभी सत्तू का क्या करें। सबसे बढ़िया पता है सत्तू क्या करेंगे, ग्लास में घोल के और पी जाएंगे दोनों लोग। क्या यही करेंगे, और हमको ब्लॉग बनाने नहीं आता है उतना अच्छे से, इसीलिए हम ब्लॉग नहीं बनाना चाहते हैं। बनाते हैं बट ये बहुत अच्छा से ब्लॉग बनाती है कोमल जी। क्या ठीक से बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है, बहुत अच्छा। यार हम परेशान हो गए मिट्टी के चक्कर में। क्यों? क्योंकि बन ही नहीं रहा है। बन जाएगा, जैसे हम सोच रहे हैं कहाँ हो रहा है, हो जाएगा। अच्छा तो हुआ है, हो गया। उधर पानी भी शायद गर्म हो गया होगा, उसमें लिट्टी डालेंगे पानी में। हो गया, नहीं हुआ, हो गया, दिखाओ दिखाओ ना, हो गया थोड़ा सा बस, उतना तो होगा ही। सबसे पहले इसमें तेल डालेंगे क्योंकि एक दूसरे से चिपके नहीं लिट्टी, इसके लिए। उसके बाद से फिर लिट्टी डालेंगे इसमें, इतना ही लिट्टी बढ़ रहे हैं देखिए। दूसरे से चिपक जाएगा ये तो। माटी के घर में हो रहा है टूटल लाइने से सोर लिया, कल एक वीडियो बना के चिपक गया तो पंखी। क्या क्या हो गया? थोड़ा सा इसको ढक देंगे। चलो बड़ा बर्तन में अभी इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए छोटा सा ढक रहे हैं। हो गया, अभी इसको कुछ देर उबलने देंगे। बन के कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको फ्राई करेंगे तेल में। और कोमल जी का बनाया हुआ लिट्टी देखिए, हाँ फट चुका है, फट चुका है। तो यही इनको सिखा रहे थे, देखिए कैसे बनाई है, पूरा फट गया है, इसमें पानी घुस गया है। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा सा हल्का सा जीरा डालेंगे, कोई कोई लोग मिर्चा भी डालता है, सूखा हुआ मिर्चा। फिलहाल सूखा मिर्चा मेरे पास है नहीं, नहीं डालेंगे। अब लिट्टी को डालेंगे इसमें, पानी जा रहा है उसमें। कमल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बेचारी क्या करेगी, बॉयल लिट्टी ही बैठ के खा रही है। देखिए दिखाओ कमल, बहुत जोर से भूख लगा था, यही खा रही है बेचारी, इसको भूख लग गया है। फाइनली लिट्टी बन के हो गया तैयार, और आ जाइए आप लोग गर्मा गर्म लिट्टी खाने के लिए। और ये लाल लाल हो गया है, और तेल ज़्यादा डाल दिए हैं गलती से, कोमल जी डाल दिए हैं। इसको फ्राई किया जाता है हल्का तेल में, जो कि हो गया।
दूसरा बार अब डालेंगे। आप लोग भी आ जाइए खाने। कोमल जी का बनाया हुआ फटा हुआ लिट्टी है, लेकिन कोमल को ही खिलाएंगे, एक ही बार में कर देते हैं, तो बार बार करने का टाइम नहीं रहा। पार्लर भी जाना है बस अभी बन रहा है ये। तो फ्रेंड देखिए ऐसे ही बना है, और चटनी से खा सकते हैं आप लोग, चोखा से खा सकते हैं, सॉस से खा सकते हैं, खीर से खा सकते हैं, जैसा जिसका पसंद है वैसे खा सकते हैं। फिलहाल हम लोग सॉस लाएंगे उसी से खाएंगे। आप लोग को जिस चीज से पसंद होगा, चोखा भी इसमें बनता है तो बहुत टेस्टी लगता है। फिलहाल उतना मेरे पास टाइम नहीं है चोखा बनाने का, तो हम लोग तो टोमेटो सॉस लाएंगे और दोनों लोग खा लेंगे मस्त। थे कि सॉस ला के खाएंगे सॉस से, बट अचानक से हम लोग का मूड चेंज हो गया और सात को लिट्टी लेके बैठे हैं, तीन को हम खाएंगे, चार को कोमल खाएगी। तो निकाल दो, दो को निकाल दो। हम लोग बस यही खाएंगे, चाय से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मूड का कोई गारंटी नहीं रहता हम लोग का। हम लिट्टी खाने आ जाइए लीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो फिर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, आप लोग भी खा लीजिए। फिर ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को कैसा रेसिपी चाहिए एक बार बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी बनाने के लिए। ओके बाय बाय।